वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वर्तिका जैन और आज इस वीडियो में हम इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप चेक पी के बारे में पढ़ेंगे। मौला जुकरिया यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बॉटनी पेपर में यूनिट फिफ्थ में हमें चेक पी की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, उसकी कल्टिवेशन, उसकी बॉटनी, उसके ऑरिजिन, इन सभी के बारे में जानकारी लेनी है। और इस वीडियो में आज हम जानते हैं कि चेक पी क्या है। इसका बॉटनिकल नेम है साइसेरा एरिटिनम और ये फैमिली फेबेसी का एक पौधा है। फेबेसी फैमिली आप लोग जानते हैं, मटर की फैमिली के नाम से विख्यात है। और इसका जो भाग हम काम में लेते हैं वो इसके बीज हैं। इसे हम चना के नाम से, छोला के नाम से भी जानते हैं और चिक पी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं या ग्राम भी हम इसे कहते हैं। यह जो पौधा है इसका नेटिव प्लेस बताया जाता है साउथ वेस्ट एशिया। और ये बताया जाता है कि एक ओल्डेस्ट पल्स क्रॉप है ये, जो कि एशिया और यूरोप में कल्टीवेट की जाती रही है एंशियंट टाइम से। इजिप्शियंस और हिब्रूस और ग्रीक्स, इन लोगों को भी ग्राम क्रॉप के बारे में काफ़ी जानकारी थी। और इसके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं वो टर्की में भी मिले हैं। और इंडिया के अलावा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टर्की, बर्मा, मोरक्को, इन सभी जगह ग्राम की या चने की खेती की जाती है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र स्टेट्स में इसकी कल्टीवेशन जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। और इंडिया की जो महत्वपूर्ण फूड क्रॉप्स हैं उसमें इसका चौथा स्थान बताया जाता है। नाउ अबाउट इट्स बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये पौधा कैसा दिखाई देता है। तो मोस्टली आप लोग इस पौधे से जरूर परिचित होंगे, जिसे हम लोग लीलवा के नाम से भी जानते हैं और सर्दियों में स्पेशली इसकी सब्जी आती है। ये पौधा छोटा सा एक ब्रांच्ड एनुअल हर्ब है। इसकी हाइट लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो इम्पेरिपेनिटली कंपाउंड होती हैं, जिसमें 9 से 15 पेयर ऑफ लीफलेट्स मिलते हैं। और पौधे के ऊपर ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो कि ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड को सीक्रेट भी करते हैं। और उस पर फूल जो आते हैं वो सफ़ेद से पिंक कलर के, पिंकिश कलर के होते हैं, जो कि सिंगली बॉर्न होते हैं। और जो फ्रूट बनता है बेसिकली वो इसका पॉड कहलाता है, जो हम जानते हैं मटर कुल के अंदर फली पॉड जो है वो इसका मुख्य फल है। और जो कि फूला हुआ होता है, जिसके अंदर एक या दो बीज अंदर होते हैं। और जो बीज होते हैं वो या तो रिंकल्ड होते हैं या स्मूथ भी हो सकते हैं। और इसके कॉटिलेडन्स जो होते हैं वो थिक और येलो होते हैं। नाउ अबाउट इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स कल्टिवेशन। तो इंडिया के अंदर ये रबी की क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है। और एरिड और सेमी एरिड रीजन सभी स्थानों पर जहाँ पे बारिश लो से मॉडरेट होती हो और एक कूल एनवायरनमेंट या ड्राई क्लाइमेट हो, वहाँ पे इजीली चने की खेती की जा सकती है। और इसको जनरली मिक्स क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है, जैसे मटर के साथ मिक्स करके, गेहूं के साथ, बार्ली के साथ या मस्टर्ड के साथ, सेफ्लावर, सॉर्गम, इन सब के साथ मिक्स करके मिक्स क्रॉप के रूप में इसको ग्रो किया जाता है। और इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वो डीप एलुवियल क्ले अगर है तो वो इसके लिए बेस्ट है। उसके अलावा अगर पाला पड़ रहा है तो किसी भी स्टेज में तो वो इसके लिए बड़ा हानिकारक होता है। और इसको जब लगाया जाता है खेतों में तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम जानते हैं कि इसकी रूट नोड्यूल्स में होते हैं, इस वजह से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आवश्यकता खेत को नहीं रह जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी जो है वो इसके जो रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो पूरी कर देते हैं। अब इसकी खेती कैसे की जाती है? तो ये यूजुअली ये क्रॉप जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में चने की क्रॉप फॉर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बीज जो हैं वो या तो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं या फिर पंक्तियों में उसको ड्रिलिंग करके उसको लगाया जाता है। और इसको जनरली खरपतवार हटाने की भी इसके क्रॉप में से आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब ये क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो पौधों को ज़मीन के पास से काट लिया जाता है या फिर खींच लिया जाता है जब इसकी पत्तियाँ रेडिश ब्राउन होने शुरू हो जाती हैं। और जब इसको थ्रेशिंग करनी है तो उससे पहले पौधा पूर्ण रूप से सुखा दिया जाता है। और थ्रेशिंग के लिए ट्रैम्पलिंग का मेथड या फिर उसको जो वुडन फ्लेयर्स हैं उसके द्वारा उसको पीटा जाता है और उससे बीजों को अलग कर लिया जाता है। और दाल बनाने के लिए पहले डी हस्किंग की जाती है, छिलका उतारने के बाद उसको स्प्लिट कर दिया जाता है स्मॉल या मीडियम साइज के अंदर। और मिल्स के अंदर तो बड़े बड़े प्लम सीड्स उसके अंदर होते हैं। और सीड्स जो होते हैं उनको पानी से स्प्रिंकलिंग की जाती है और ओवरनाइट हीप करके इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि सीड कोट जो है वो इजिली बाहर निकल जाए, ताकि मिलिंग में यानी पीसने में उसको दिक्कत ना हो। नाउ व्हाट इट्स केमिकल प्रोफाइल, अगर हम देखें तो इसके अंदर जनरली हम जानते ही हैं कि चने में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है, जैसे 17.1% प्रोटीन कंटेंट इसमें पाया गया है। और फैट कंटेंट 5.3% है, कार्बोहाइड्रेट 61.2% है और फाइबर 3.9% है और मिनरल्स 2.7% इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके डिफरेंट कल्टीवर्स जो हैं वो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, जिनका या तो फ्लावर कलर डिफरेंट है, सीड कलर या सीड की साइज डिफरेंट है, या ग्रोथ ड्यूरेशन डिफरेंट है, या उसकी डिजीज रेजिस्टेंस डिफरेंट है, या उसकी उत्पादकता डिफरेंट है।
तो इस आधार पर कई कल्टीवर्सेस में कुछ के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे CO.1, उज्जैन 2, उज्जैन 21, उज्जैन 24, गुलाब, राधे, पूसा 256, पूसा 261, GPF2। इस तरीके की कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं जो कि इंडिया में ग्रो करी जाती हैं। नाउ अबाउट इट्स यूजेस, तो इकोनॉमिक बॉटनी के तहत हम इसे अगर पढ़ रहे हैं तो इसके हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप होने की वजह से इसके यूजेस हमें पता होने चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि चना जो एक बहुत न्यूट्रिटिव सीड है और प्रोटीन से रिच है, इसके साथ ही स्टार्ची डाइट के साथ उसको एडजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दाल के रूप में तो इसको यूज़ करते ही हैं, चने की दाल को हम खाते ही हैं, और इवन इसकी सीड्स को रोस्ट करके, भुन करके भुने हुए चने भी खाए जाते हैं। इसका जो आटा है जिसे बेसन कहते हैं वो भी बहुत सारी वैरायटीज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सत्तू जो बनाया जाता है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि इवन बताया जाता है कि जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है उनके लिए एक प्रिवेंटिव डाइट के रूप में दिया जाता है, क्योंकि इसमें रिच फॉस्फोरस कंटेंट है। इसके अलावा यूनानी एक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए काम में आती है, अजमालून, उसके भी एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडिएंट के रूप में चने का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा चना जो है वो घोड़ों को खिलाया जाता है, इसकी पत्तियां और इसके स्टॉक्स जो होते हैं वो सुखा दिए जाते हैं, और सूखे हुए पत्ते वो कैटल को खिलाए जाते हैं एज अ फॉडर। और इसके जो चने के बीज हैं जब उनको अंकुरित किया जाता है और उनको खिलाया जाता है तो बताया जाता है कि कुछ डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, जैसे स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होती हैं, उसके प्रोफाइलेक्टिक के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। और टर्की के अंदर बताया जाता है कि इसको चने को सूप बनाने में, डेजर्ट्स में, बेबी फूड बनाने में यूज़ करते हैं। और इसका काबुली प्रकार का जो चना है वो डी टेक्सचराइज कर देते हैं, उसको बहुत सॉफ्ट करते हैं, जो कई सारे स्नैक्स बनाने में यूज़ में आता है। और एक इंडोनेशिया में इसका एक चने का फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है जिसे टेम्फी कहते हैं, जिसमें हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, इवन उसके जो फ्लेवर है वो मीट लाइक होता है। और इसके अलावा चने का जो आटा है यानी बेसन वो टेक्सटाइल साइजिंग में और एडहेसिव के रूप में यूज़ में लिया जाता है। तो ये चना जो है वो प्रोटीन से रिच एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का। बेसन के रूप में भी हम इसका डिफरेंट प्रकार के डिशेस लाइक कड़ी से लेकर के पकौड़े से लेकर बहुत सारी वैरायटीज हम इसके बनाते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम साइसर एरिटिनम है, फैमिली फेबेसी है, जो मटर कुल का पौधा है, और यह वीडियो बनाने में इस बुक का प्रयोग किया गया है। सो ये आपके इकोनॉमिक बॉटनी के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप चना यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच।